हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे आपको टॉपिक का प्रत्येक अंश समझ में आए। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन या विलयन। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ, पादपों के जीवन में जल का महत्व बात किया था, और आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, और उसमें हम ट्रू सॉल्यूशन या सत्य विलयन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है या विलयन क्या है? किसी भी पदार्थ के अणु, परमाणु व आयन का दूसरे पदार्थ के माध्यम में वितरण विलयन कहलाता है। तो किसी भी एक पदार्थ के अणु, परमाणु, आयनों का दूसरे पदार्थ के माध्यम में वितरण क्या कहलाता है? भी सॉल्यूशन कहलाता है या विलयन कहलाता है। पदार्थ से हमारा तात्पर्य ऐसी विषय वस्तु से है जिसका रंग, रूप, आकार, आमाप, द्रव्यमान, आयतन, आकृति और जिन्हें रखने पर स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ एक ऐसी विषय वस्तु है जिसका रंग, रूप, आकार, आमाप, आयतन व द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भी पदार्थ कहते हैं। तो किसी भी एक पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं व आयनों का किसी दूसरे पदार्थ के माध्यम में वितरण होना क्या कहलाता है? भी विलयन कहलाता है। तो सॉल्यूशन जो है विलय व विलायक से मिलकर बना होता है, तो विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। जो विलय है या सोल्यूट जिसे अपन कहते हैं, वितरित पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम डिस्पर्स्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो विलय को वितरित पदार्थ अपन कहते हैं, जो फैलता है डिस्पर्स्ड सब्सटेंस अपन कहते हैं, और सॉल्वेंट को या विलायक को वितरण माध्यम अपन कहते हैं, इसे अपन डिस्पर्शन मीडियम के रूप में जानते हैं। तो एक पदार्थ इसमें विलय के रूप में और दूसरा पदार्थ इसमें विलायक के रूप में होता है। तो विलयन जो है विलय व विलायक से मिलकर बना होता है। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार और विलय कणों के आमाप के आधार पर विलयन के चार प्रकार है। विलय कणों के आकार के आधार पर विलयन को
चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्यू सॉल्यूशन, सत्ते विलयन, बफर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर सिस्टम। तो ये चार प्रकार है। आज की वीडियो में हम प्यू सॉल्यूशन या सत्ते विलयन की बात करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम बफर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन या सत्ते विलयन। सत्ते विलयन एक ऐसा विलयन है जो समांग है वह स्थिर विलयन है। तो ट्रू सॉल्यूशन समांग होता है और स्थिर विलयन होता है। समांग जिसके सभी अवयव क्या है, समांग यानी सभी अवयव समान है और ये स्थिर होता है। तो सत्ते विलयन समांग व स्थिर विलयन है। विलेय के अणु, आयन व परमाणु अति सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो सत्ते विलयन जो है समांग और स्थिर विलयन है और इसमें विलेय के अणु, परमाणु व आयन अति सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो अति सूक्ष्म बहुत छोटे आकार के हैं और सत्ते विलयन में विलेय के अणुओं का आकार जो है वो 0.001 माइक्रोन या इससे कम होता है। तो सत्ते विलयन में विलेय कणों का आकार जो है अति सूक्ष्म है, जो 0.0001 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, ये समान रूप से वितरित रहते हैं, तो समान रूप से फैले हुए रहते हैं। विलयन में विलायक जल हो तो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। तो जो सत्ते विलयन है वो समांग व स्थिर विलयन है और विलेय के अणु, परमाणु व आयन अति सूक्ष्म आकार के हैं जिनका आमा 0.001 माइक्रोन, माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख सकते। ये समान रूप से वितरित रहते हैं और यदि विलयन में विलायक जल के रूप में हो तो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि ट्रू विलयन जो है या सत्य विलयन जो है वो एक समांग स्थिर विलयन है और इसमें जो विलेय कणों का जो आकार है वो अति सूक्ष्म होता है और विलयन में विलायक जब जल के रूप में हो तो उसके आधार पर तीन प्रकार के विलयन होते हैं। ठोस का जलीय विलयन, द्रव का जलीय विलयन और गैस का जलीय विलयन। इसके अलावा भी अपन अगर विलयन के प्रकारों की बात करें तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, इसी प्रकार द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। इस प्रकार से 9 प्रकार के पदार्थों में 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं
और उनके आधार पर नौ प्रकार के विलयन बन जाते हैं, किंतु हम यहां विलाय के रूप में जल ले रहे हैं और जलीय विलयन के तीन प्रकार है, तो ठोस का जलीय विलयन, द्रव का जलीय विलयन और गैस का जलीय विलयन। ठोस का जलीय विलयन, जब किसी ठोस पदार्थ या ठोस विलेय को जल या विलायक में घोला जाता है तो उसे ठोस का जलीय विलयन कहते हैं। जैसे चीनी का घोल या नमक का घोल, तो ठोस पदार्थ को जब हम जल विलायक के रूप में घोले, जल के को विलायक के रूप में लेते हुए उसमें घोले, तो जब किसी ठोस पदार्थ या विलेय को जल में घोला जाता है तो बने विलयन को ठोस का जलीय विलयन कहते हैं। और जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल, इस प्रकार किसी विलयन में विलेय पदार्थ के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा विलायक के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे लैटाइस ऊर्जा कहते हैं। तो जब हम किसी विलायक में ठोस विलेय को घोलते हैं तो विलेय पदार्थ के बंधों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो विलायक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे हम लैटाइस ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये था भी ठोस का जलीय विलयन। तो किसी भी ठोस विलेय को जल में घोलने पर बने विलयन को ठोस का जलीय विलयन कहते हैं, और विलेय के अणुओं के मध्य के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा विलायक प्रदान करता है, जिसे लैटाइस ऊर्जा कहते हैं। द्रव का जलीय विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलेय पदार्थ तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। तो द्रव का जलीय विलयन में विलेय पदार्थ और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, और विलेय कम व विलायक जो है अधिक मात्रा में होता है। तो ऐसे विलयन में, द्रव का जलीय विलयन में विलेय व विलायक दोनों द्रव अवस्था में होंगे, और विलेय कम मात्रा में और विलायक जो है अधिक मात्रा में होता है। विलेय तथा विलायक किसी भी अनुपात में, जब विलेय तथा विलायक किसी भी अनुपात में मिलाने पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए, तो इस आधार पर दो तरीके के विलयन बनेंगे। विलेय तथा विलायक किसी भी अनुपात में मिलाने पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए, जैसे अल्कोहल व ग्लिसरीन का जलीय विलयन, कितनी भी मात्रा हो मिला दें मिश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार विलेय जब बहुत कम मात्रा में हो, कम मात्रा में विलायक में घुलनशील हो, विलेय जब बहुत कम मात्रा में विलायक में घुलनशील हो, तो द्रव का जलीय विलयन दो तरीके के हो गए। पहले जो हो गए, विलेय तथा विलायक किसी भी अनुपात में हो आसानी से मिल जाए, विलेय बहुत कम मात्रा में विलायक में घुलनशील हो, जैसे ईथर व क्लोरोफार्म का जलीय विलयन, इसको अपन ज्यादा जल में नहीं मिला सकते, अल्प मात्रा में ही ये विलयशील होगा। जबकि अल्कोहल व ग्लिसरीन किसी भी अनुपात में विलयशील हो जाएंगे या घुल जाएंगे। अब अपन बात करें गैसों का जलीय विलयन, तो गैसों का जलीय विलयन, तो इसमें जो विलय होगा
वो गैस अवस्था में होगा और विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा। जब किसी गैस पदार्थ को जैसे नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को व ऑक्सीजन को जल में घोला जाए तो गैस, गैसों का क्या बन जाएगा भी, जलीय विलयन बन जाएगा या गैस का जलीय विलयन बन जाएगा। तो जब किसी गैसीय विलेय को द्रव विलायक में या जल में घोला जाता है तो बने विलयन को गैस का जलीय विलयन कहते हैं। और पादपों की कोशिकाओं में, प्लांट्स की कोशिकाओं में जो जल है या जो गैसें हैं वो गैस जलीय विलयन के रूप में ही होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होकर वो जल में घुली हुई अवस्था में होती है। पादप शरीर में गैसें जल में घुलनशील विलयन के रूप में होती है। गैसों की घुलनशीलता ताप, दाब व जल की रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करती है। तो गैसों का जलीय विलयन, जब गैस जल में घुली हुई हो या विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय गैसें जल में घुली हुई हो तो उसे गैस का जलीय विलयन कहेंगे। और पादपों की कोशिकाओं में जो गैस है वो जल में घुलनशील अवस्था में ही होती है और गैसों की जो घुलनशीलता है वो ताप, दाब व जल की रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करती है। तो ये थे भी जलीय विलयन के प्रकार। तो ठोस का जलीय विलयन, द्रव का जलीय विलयन और गैस का जलीय विलयन। अब हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन में विलेय कण की विलायक के संदर्भ में तुलनात्मक मात्रा को विलयन की कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलयन में विलेय की विलायक के संदर्भ में तुलनात्मक सांद्रता, तो किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय कणों की सांद्रता को जो कि विलायक के संदर्भ में दी जाती है। तो विलयन में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा विलायक के संदर्भ में क्या कहलाती हुई, विलयन की सांद्रता कहलाती है या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। और विलयन की सांद्रता के विभिन्न प्रकार है और यहां हम प्रतिशत सांद्रता, पीपीएम सांद्रता और मोलर सांद्रता, नॉर्मल सांद्रता, इन सभी प्रकार की सांद्रताओं की बात करेंगे। तो देखिए प्रतिशत सांद्रता पर सबसे पहले बात करें, विलयन में विलेय के भार या आयतन की गणना प्रतिशत भाग में की जाती है। तो विलयन में उपस्थित विलेय कणों या विलेय के भार व आयतन की गणना जब हम किसमें करें, प्रतिशत में करें, तो उसे प्रतिशत सांद्रता कहेंगे। तो विलयन में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा का आकलन या गणना हम प्रतिशत में करें तो क्या कहलाएगी भी, प्रतिशत सांद्रता। जैसे 5% अल्कोहल विलयन, अब 5% अल्कोहल विलयन का क्या मतलब है, तो देखिए यहां 5 ml अल्कोहल व 95%
जल में घोला गया है, तो उससे 100 ml क्या बन गया, अभी विलयन बन गया। तो 5% एल्कोहल विलयन से हमारा क्या तात्पर्य है कि इसमें 5 ml एल्कोहल को 95 ml जल में घोला गया है, जिससे ये 100 ml विलयन बन गया, किंतु ये 5% एल्कोहल विलयन बन गया। तो हम यहां विलय को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसे अपन कहेंगे प्रतिशत सांद्रता। इसी प्रकार जैसे 10% NaCl का विलयन, हम कह रहे हैं 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो यहां 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl है व 90 ml जल है, तो क्या बन गया अभी ये 10% NaCl का विलयन बन गया। तो हमने विलयन की मात्रा को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और इसी को हम प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता अनेक प्रकार से अपन निकाल सकते हैं और उसमें है प्रतिशत सांद्रता। अब अपन बात करें पीपीएम सांद्रता, पार्ट पर मिलियन सांद्रता, और पार्ट पर मिलियन सांद्रता क्या है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में मात्रा को, तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है या पार्ट पर मिलियन कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में मात्रा पीपीएम सांद्रता कहलाती है। जैसे 2 ppm लिखा हुआ है, 2 ppm विलयन का अर्थ क्या है, तो 1 लीटर विलयन में 2 mg, 1 लीटर विलयन में विलेय की 2 mg मात्रा है। अगर यहां पर 3 ppm कर दें तो 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा 3 mg है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय कणों की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, भी पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहलाएगी। जैसे यहां पर लीटर विलयन में विलेय कणों की 4 मिलीग्राम मात्रा क्या कहलाएगी, भी 4 ppm कहलाएगी। आगे अपन बात करें मोलर सांद्रता, विलयन की मोलर सांद्रता क्या कहलाती है, तो किसी पदार्थ का ग्राम में अणुभार मोल या ग्राम मोल कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का ग्राम में अणुभार जब निकाले तो उसे अपन मोल या ग्राम मोल कहते हैं, और जब किसी विलेय के 1 mole को घोलकर 1 liter विलयन तैयार किया जाता है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं और इसे एम से निरूपित करते हैं। तो मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं अपन। तो जब किसी विलेय के 1 mole को घोलकर 1 liter विलयन तैयार किया जाता है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। तो किसी भी विलेय के 1 mole को 1 liter घोलकर 1 liter विलयन तैयार करना क्या कहलाएगा, जी मोलर सांद्रता कहलाती है और इसे एम से हम निरूपित करते हैं। जैसे 2m
या 0.5 mm का मतलब क्या है? तो 2 मोल या आधा मोल विलेय को 1 लीटर जल में घोलकर बनाया गया विलयन। तो मोलर सांद्रता से हमारा तात्पर्य है कि जब 1 मोल विलेय को घोलकर 1 लीटर विलयन तैयार करें। तो 2 मोल का मतलब क्या है? जब 2 मोल विलेय को 1 लीटर जल में घोलकर 1 लीटर क्या बनाए भी विलयन तैयार करें, तो उसे 2 मोलर सांद्रता वाला विलयन कहेंगे अपन। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या 6.02 × 10³ होती है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो 1 मोल या सॉरी 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या, 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या जो होगी 6.02 × 10³ होती है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब अपन बात करें नॉर्मल सांद्रता और विद्युत अवघट्य विलयनों के लिए नॉर्मल सांद्रता का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत अवघट्य वाले विलयनों के लिए नॉर्मल सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल विलयन वह विलयन है, नॉर्मल विलयन वह विलयन है जिसमें 1.008 ग्राम हाइड्रोजन या 17.008 ग्राम हाइड्रोजन आयन प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो। यानी नॉर्मल विलयन वह विलयन है जिसमें 1.008 ग्राम हाइड्रोजन आयन या फिर 17.008 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो, और इसे 1N 2N के रूप में निरूपित करते हैं। अब यहां पर देखें 1N विलयन का मतलब क्या है? तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 1 लीटर जल में घोलकर बनाया गया विलयन। तो 1N मींस क्या है भी? 1N विलयन उसके 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 1 लीटर जल में घोलकर बनाया जाता है। अम्ल व सार की सांद्रता को नॉर्मलता में प्रदर्शित किया जाता है। तो विशेष रूप से नॉर्मल सांद्रता जो है विद्युत अवघट्य विलयनों के लिए प्रयुक्त की जाती है, वह अम्ल सार की सांद्रता को नॉर्मलता में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें जब हम विलेय की मात्रा को प्रतिशत में प्रदर्शित करें तो प्रतिशत सांद्रता, जब विलेय की मात्रा को पार्ट पर मिलियन में प्रदर्शित करें तो पीपीएम सांद्रता, जब विलेय की मात्रा को हम मोलर एक लीटर विलयन के रूप में मानकर ले तो उसे मोलर सांद्रता, और अम्ल सार की या विद्युत अवघट्य विलयनों के लिए अपन नॉर्मल सांद्रता प्रयोग में लेते हैं। तो मोलर सांद्रता से हमारा तात्पर्य क्या था भाई? जब किसी विलेय के 1 मोल को घोलकर, एक विलेय 1 मोल विलेय को घोलकर 1 लीटर विलयन तैयार करना। अब अपन बात करें पीएच ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की
पीएच। पीएच मींस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम इसे हाइड्रोजन पावर भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं, या हाइड्रोजन पावर को हम पीएच कहते हैं, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। विलयन में जल आंशिक रूप से आयनीकृत हो जाता है। पीएच का प्रयोग हम विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच का प्रयोग करते हैं। तो विलयन में जल आंशिक रूप से आयनीकृत होकर H3O+ व OH- आयनों में अपघटित हो जाता है। तो विलयन में जल जो है आंशिक रूप से आयनीकृत हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन H+ आयनों के रूप में और हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH- आयनों के रूप में कार्य करता है। कैसे अपघटन होता है? तो ये जल के दो अणु हैं 2H2O, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन और ये OH- आयन। ये हाइड्रोनियम आयन जो है H+ व H2O में टूट जाता है। तो हाइड्रोनियम जो आयन है वो H+ आयनों के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार अपघटनशील जल के अणु दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करता है। तो जब विलयन में जल अणु उपस्थित होते हैं तो वो आयनीकृत हो जाता है और आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम व हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है और इस प्रकार जल के अणु का अपघटित होना उसकी दुर्बल अम्ल की प्रकृति को बताता है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जलीय विलयन में जल अणु हाइड्रेशन सेल द्वारा घिरे रहते हैं। तो देखिए जलीय विलयन में जो है जल के अणु जो है हाइड्रेशन सेल द्वारा घिरे रहते हैं। उसी प्रकार शुद्ध जल में हाइड्रोनियम आयन तीन जल अणुओं द्वारा घिरा रहता है। तो जब हम जल में कोई अकार्बनिक लवण घोलते हैं तो वो धनायन व ऋणायनों में बट जाता है और उन धनायनों व ऋणायनों के चारों ओर जल के अणु एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम हाइड्रेशन सेल कहते हैं। और उसी प्रकार हाइड्रेशन सेल के समान ही शुद्ध जल के अणुओं में हाइड्रोनियम आयन के चारों ओर भी तीन जल के अणु उपस्थित होते हैं, या तीन जल के अणु से वो घिरा रहता है। तो H3O+ जो आयन है इसके चारों ओर तीन जल के अणु उपस्थित होते हैं, जिससे H3+ आयन स्थिर व साम्य अवस्था में बना रहता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन जो है स्थिर व साम्य अवस्था में बना रहता है। साम्य अवस्था में H+ व OH आयनों की सांद्रता स्थिर व मात्रा समान होती है। तो साम्य अवस्था में H+ व OH- आयनों की सांद्रता जो है वह स्थिर और मात्रा क्या रहती है, भी समान रहती है, जिसका मान 10 की पावर माइनस 14 ग्राम प्रति लीटर होता है। जिसका मान कितना होगा भी 10 की पावर माइनस 14 ग्राम प्रति लीटर होगा, जिसमें 10 की पावर माइनस 7 ग्राम प्रति लीटर H+ आयन व 10 की पावर माइनस 7 ग्राम
प्रति लीटर OH माइनस आयन होते हैं, तो टोटल जो H प्लस हुआ OH माइनस आयनों की जो मात्रा है वो 10 की पावर माइनस 14 ग्राम प्रति लीटर है, और H प्लस की जो है वो होगी भी 10 की पावर माइनस 7 ग्राम प्रति लीटर, और ऐसे ही OH की जो होगी OH माइनस आयनों की जो होगी वो भी 10 की पावर माइनस 7 ग्राम प्रति लीटर होगी। pH को ऋणात्मक लघुगुणक के रूप में अपन जानते हैं, तो pH माइनस लोग 10 और H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगुणक के मान को अपन क्या कहते हैं भी pH कहते हैं। और यदि अपन देखें कि माइनस लोग 10 बराबर H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है 10 की पावर माइनस 7, और माइनस माइनस हो गए प्लस में, और pH का मान आ गया 7, तो शुद्ध जल की जो है pH क्या होती है 7 होती है, और ये उदासीन pH है जो न अम्लीय है और न क्षारीय है। तो शुद्ध जल की pH 7 होती है जिसमें H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 7 और OH माइनस आयन भी 10 की पावर माइनस 7 होते हैं, यानी बराबर होते हैं, इसीलिए यहां pH का मान 7 या उदासीन होता है। जलीय विलयन की pH विलेय पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, तो जलीय विलयन की pH विलेय पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि विलेय पदार्थ कौन कौन से उपस्थित है, तो जलीय विलयन की जो pH है वो विलेय पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अम्लीय विलयन की pH जो है 7 से कम होती है, तो अम्लीय विलयन की pH 7 से कम होती है क्योंकि उसमें H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 7 से अधिक होते हैं, तो अम्लीय विलयन की pH जो मान है वो 7 से कम है क्योंकि उसमें H प्लस आयन जो है 10 की पावर माइनस 7 से अधिक है, वह हाइड्रोक्सिल आयन जो है 10 की पावर माइनस 7 से कम है। तो देखो H प्लस आयन जो है 10 की पावर माइनस 6 होंगे, 10 की पावर माइनस 5 होंगे, 10 की पावर माइनस 4 होंगे, 10 की पावर माइनस 3 होंगे, 10 की पावर माइनस 2 होंगे, 10 की पावर माइनस 1 या 10, यानी अम्लीय विलयन की pH 7 है क्योंकि उसमें H प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो 10 की पावर माइनस 7 से अधिक है और ये अधिक है, जबकि हाइड्रोक्सिल जो आयन है OH माइनस आयन है वो 10 की पावर माइनस 7 से कम, देखो 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 14, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो गए भी कम मात्रा में हो गए। क्षारीय विलयन की pH 7 से अधिक है क्योंकि उसमें H प्लस आयन जो है वो 10 की पावर माइनस 7 से कम है, तो क्षारीय विलयन की pH जो है 7 से अधिक होगी क्योंकि उसमें H प्लस जो आयन है 10 की पावर माइनस 7 से कम है। और ये देखिए H प्लस आयन की 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 14, तो कम हो गई 10 की पावर माइनस 7 से कम हो गई H प्लस आयन की सांद्रता, इसलिए वो क्षारीय विलयन है। और OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर माइनस 7 से अधिक होगी क्षारीय विलयन के लिए, और देखो 10 की पावर माइनस 6,
10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 1 और 10। तो अम्लीय विलयन की जो पीएच है वो 7 से कम है, क्योंकि उसमें एच प्लस आयन जो है 10 की पावर माइनस 7 से अधिक है। वह हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो 10 की पावर माइनस 7 से कम है। और क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन की पीएच जो है 7 से अधिक है, क्योंकि उसमें एच प्लस आयन जो है 10 की पावर माइनस 7 से कम है, और हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो 10 की पावर माइनस 7 से अधिक है। तो ये था भाई पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हमने बात किया भी सॉल्यूशन, और इसमें विशेष रूप से अपन ने ट्रू सॉल्यूशन की बात की, सत्य विलयन की बात की, और ट्रू सॉल्यूशन जो है एक समान व स्थिर विलयन है। इसमें जलीय विलयन के आधार पर ठोस का जलीय विलयन, द्रव का जलीय विलयन, गैसों का जलीय विलयन, और दूसरा अपन ने बात किया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और विलयन की जो सांद्रता है वो 4 प्रकार की है, प्रतिशत सांद्रता, पीपीएम सांद्रता, मोलर सांद्रता और नॉर्मल सांद्रता। और हमने पीएच ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की पीएच की भी बात की। तो ये था भी आज का टॉपिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की पीएच। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स।